आयोनिक बॉन्ड दो मुतजाद आयंस के दरमियान मौजूद बरकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की कुवत होती है। इस सबक में हम लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड की आयोनिक बॉन्डिंग का जायजा लेंगे। लिथियम पहले ग्रुप की एक धात है और इस वजह से इसके बैरूनी मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2-1 है। फ्लोरीन एक हेलोजन है और इसके बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2-7 है। जबकि लिथियम अपने बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है, जिससे एक लिथियम आयन और एक फ्लोराइड आयन बनता है। ये एक आम मुगालता है कि किसी भी एटम या आयन को मुतवाजन होने के लिए उसके मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जब तक बैरूनी मदार मुकम्मल रहेगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए वो तमाम उसमें मौजूद होंगे, तो एटम या आयन मुतवाजन रहेगा। और यही कुछ लिथियम में भी नजर आता है। पहले मदार में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और लिथियम में ये मुकम्मल है, यानी एक लिथियम आयन मुतवाजन यानी स्टेबल होगा। गौर करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिल्कुल हीलियम जैसा है। लिथियम आयन और फ्लोराइड आयन पर मुतजाद चार्ज मौजूद है, इसलिए इनके दरमियान बरकी कशिश होगी जिसके बायस ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। चलिए अब अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। एक कागज और पेंसिल लें और इस पर पोटेशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएं। वीडियो को पॉज करें और काम मुकम्मल होने पर प्ले करें। तो ये हैं इनके स्ट्रक्चर्स। हम देख सकते हैं कि पोटेशियम में सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर पोटेशियम अपना ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे तो फिर भी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन को अपना मदार मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन वो पोटेशियम के एक और एटम से हासिल करेगा, तो पोटेशियम के 2 आयन बनेंगे और ये दोनों ही ऑक्साइड आयन की जानिब कशिश रखेंगे। गौर करें कि अब ये चार्जेस मुकम्मल तौर पर मुतवाजन हैं, इसलिए पोटेशियम ऑक्साइड का मजमूई तौर पर तादीली यानी न्यूट्रल चार्ज होगा। तो खुलासा ये है कि जब 2 ऐसे आयन जिन पर मुतजाद चार्जेस हों एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो एक मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल आयोनिक मुरक्कब बनाने के लिए उन चार्जेस का मुतवाजन होना लाजमी है।